इसको पूरा मिला दीजिए अच्छे से, गुड़ डाल के। दूसरे लीटर एकदम प्योर जीवा अमृत तैयार, बस इतना पूरा। हाँ भलो प्रकार कर दिया। ভুল ভাবে মিশাইলা পরে 48 ঘন্টা রাখি দেব। 48 ঘন্টা রাখ কে ইসকো ব্যবহার করেঙ্গে। ये पूरा बेसन नहीं दिख रहा है, ये जो क्लॉट जैसा हो गया है ये सब एकदम मिल जाएगा, सब पूरा मिल जाएगा। हाथ हाथ से बढ़िया से होगा, हाथ से इसको बढ़िया से करके। अरे कपड़ा का जो सगन आने की रोटी नहीं मिलने मुझे। हाँ ये बात नहीं है ना, ये पूरा मिल जाएगा। मिलने के बाद इसको 48 घंटा देख के रखने के बाद ये मेडिस पूरा जीवामृत तैयार। अब इस 200 लीटर जीवामृत को 1:5 रेशियो में पानी के साथ मिला के 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। मतलब 200 लीटर जीवामृत है तो 5 लीटर पानी के हिसाब से 1:5 रेशियो से 1000 लीटर ये बन जाएगा। 1000 लीटर 1 एकड़ के लिए सफिशियंट। किसानों में सबसे उपयोगी ये चीज़ है, बस गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन, पानी, बस इतना एक चीज़ लगेगा। और गुड़ नहीं है तो जो भी चीज़ अवेलेबल है, जैसे कि पका हुआ एकदम सड़ा हुआ केला तो भी वो भी काम देगा, नहीं तो यदि खजूर है, नहीं शहद तो बहुत महंगा पड़ेगा। एटा बेल, पका हुआ बेल ये भी काम दे देगा। और बेसन की जगह कोई भी चीज़, चावल को पीस के, नहीं यदि उड़द है, मूँग है, बीरी, किसी भी उसको पीस के डाल देना। ये जरूरी नहीं कि बेसन इधर का जरूरी है।